हे गाइस, माय नेम इज मंजू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्टाइल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लहंगा स्टाइल साड़ी ट्रैपिंग, जो बिल्कुल दिखने में आपको गाउन की तरह दिखेगी। सो अगर आपको भी कोई पार्टी अटेंड करनी है जिसमें आपको लहंगा या फिर गाउन वेयर करना है, तो आप इस तरह से अपनी दो सिल्क की साड़ी का यूज़ करके ये ब्यूटीफुल सा लहंगा तैयार कर सकती हैं। सो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी सिल्क की साड़ी ले ली है और साथ में अपना पेटीकोट, ब्लाउज और फुटवेयर आपको वेयर कर लेना है। अब हम साड़ी को ओपन करेंगे और साड़ी का एंड सिरा हमें इस तरह से लेना है और बैक साइड से हमें टकिंग स्टार्ट करनी है। तो पहले देखिए, हम बैक साइड में इसे टक करेंगे इस तरह से। देखिए, इस तरह से टक कर लेने के बाद अब हम सामने से प्लीट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए, इस तरह से बैक में टक कर लेने के बाद हमें सामने से प्लीट्स बनानी स्टार्ट करनी है। वन बाई वन हम प्लीट्स बनाएंगे और सभी प्लीट्स हमें चौड़ी चौड़ी रखनी है। एंड यहाँ जो प्लीट्स की गैपिंग है ना, वो इक्वल दिखनी चाहिए। तो इस तरह से अगर आप चौड़ी चौड़ी प्लीट्स बनाकर टकिंग करोगे, आपका फ्लेयर बहुत अच्छा आएगा। अब यहाँ पर जो मैंने साड़ी यूज़ की है, इसमें इसका ब्लाउज और सब कुछ अटैच है और ओवरऑल साड़ी सेम डिज़ाइन में है। तो मैं सभी साड़ियों के यहाँ पर प्लीट्स बना रही हूँ। इसे मैंने अमेजोन से परचेज किया था, बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर पहले हमें सामने का पार्ट अच्छे से टकिंग कर लेना होता है इस तरह से। अब देखिए, बैक के लिए ना मैं धीरे धीरे इसे बैक के पार्ट को सामने लेकर आई हूँ और अब हम फिर से अपनी प्लीट्स को बनाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से आप प्लीट्स बनाते हो ना, तो बैक का भी आप आसानी से बना पाओगे। अदरवाइज़ थोड़ी प्रॉब्लम होती है बैक साइड में डायरेक्ट प्लीट बनाने पर। तो आप इस तरह से प्लीट बनाए, थोड़ी सी सांस अंदर ले और बैक वाले जो पार्ट है हमारा, उसे घुमाते हुए सामने की तरफ लेकर आएँ और फिर ऐसे आप वन बाय वन प्लीट्स को बना लें। अब यहाँ पर आप देखिए, जहाँ से हमें स्टार्ट किया है ना, बिल्कुल वहीं तक हमें प्लीट्स को बनाना होता है मैनेज करते हुए। तो अपनी साड़ी को देखते रहें कितनी आपके पास बची हुई है, उसके अकॉर्डिंग प्लीट्स को चौड़ी या पतली करें ताकि आपका एंड जाकर यहाँ पर मैनेज हो सके। अब लास्ट में देखिए, मैं इसके कॉर्नर को इस तरह से फोल्ड करते हुए इतना पार्ट मैं प्लेन रख रही हूँ। इसको मैंने प्लेन क्यों रखा है आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा। तो इस तरह से हमें टकिंग कर लेना है। देखिए, इतना हिस्सा हमारा प्लेन हमने रखा है, उसे मैं बैक में कर रही हूँ और जितनी भी प्लीट है हमारी सामने की तरफ देखिए आ गई हैं। तो यहाँ पर देखिए, इतना पार्ट हमारा प्लेन होना चाहिए बैक साइड में इस तरह से, और सामने पूरी हमारी प्लीट्स आनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर हमारा कितना फ्लेयरी लहंगा तैयार हो गया है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है। अब यहाँ जो बैक साइड में ये कॉर्नर है ना, ये हमारा इस तरह से दिखाई ना दे, इसके लिए एक सेफ्टी पिन यहाँ पर मैं लगा रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से एक सेफ्टी पिन लेना है और यहाँ पर इसे सिक्योर कर देना है ताकि हमारा लहंगा जो है बिल्कुल भी पता ना चले कहीं से भी उसका एंड सिरा। देखिए, अब बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा और ये पार्ट हमारा प्लेन है। अब इस तरह से हमारा स्कर्ट पूरी तरह से यहाँ पर कम्प्लीट हो गया है। अब मैं अपनी सेकेंड साड़ी देखिए ले ली हूँ और इसे मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज, सॉरी अमेजोन से ही परचेज किया था। एंड इसका भी बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये हमारे साड़ी का पल्लू है। तो सबसे पहले मैं पल्लू से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमें अपनी शोल्डर वाली प्लीट्स बनानी है। तो आप अपनी च्वाइस के अकॉर्डिंग जितनी या चौड़ी प्लीट्स, पतली या चौड़ी आप बनाना चाहो बना सकते हो, बट हमेशा की तरह आपको फर्स्ट प्लीट जो हमने स्टार्टिंग में ली ना, वो चौड़ी रखनी होती है। अब यहाँ पर देखिए, प्लीट्स बनाते वक्त ना ये बॉर्डर आपका बाहर की तरफ इसका डायरेक्शन होना चाहिए। अब सभी प्लीट्स को हम इक्वली पकड़ लेंगे और इसे इस तरह से झटकते हुए, देखिए इस तरह से हैंड को ऊपर ले जाना है और झटकते हुए वन बाय वन हम प्लीट्स को अरेंज करेंगे। थोड़ी थोड़ी दूर पे मैं प्लीट्स को अरेंज करती हूँ। देखिए, इतना पार्ट हमारा रेडी हो गया है। इसे मैं अपने लेफ्ट वाले शोल्डर पर रख रही हूँ और लेफ्ट वाले हैंड से पकड़ के, और फिर मैं सामने की प्लीट्स आगे की भी वैसे ही अरेंज करूँगी। पहले अच्छे से झटक लेना होता है एक बार ताकि हमारी प्लीट्स हमें दिखाई दे। ऊपर से वन बाय वन प्लीट्स को देखिए मैं पकड़ते हुए यहाँ पर अब अरेंज कर रही हूँ। तो देखिए, इतना पार्ट हमारा फिर से यहाँ पर अरेंज हो गया है। इसे हम वापस से अपने लेफ्ट वाले शोल्डर पर रखेंगे और दो बार में हमारी प्लीट यहाँ पर बन के कम्प्लीट हो जाती है। देखिए, जितनी लेंथ चाहिए मैंने उतना अरेंज कर लिया है। अब हम एक सेफ्टी पिन लेंगे और अपने ब्लाउज के शोल्डर में इसे सेफ्टी पिन की हेल्प से यहाँ पर सिक्योर कर लिया मैंने। अब ये जो सामने की प्लीट है, इसे अच्छे से एक बार सेट कर लेंगे इस तरह से वन बाय वन।
अब देखिए ये सेट हो गई है। अब यहाँ से देखिएगा, हमें इस तरह से साड़ी को लेते हुए इसके एंड तक जाना है। तो ये देखिए इतना पार्ट हमारा छोड़ देना है साड़ी का, 80 सेंटीमीटर के करीब, यानी एक ब्लाउज जितना हमें फैब्रिक छोड़ देना है। और उसके बाद जितनी भी साड़ियाँ बच गई हैं उनकी हम प्लीट्स बनाएंगे। अगर आपको प्लीट्स बनानी नहीं आती है तो मेरे चैनल पे बहुत सारी साड़ी डैपिंग के ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, जिससे आप इजीली से बना सकते हो। अब देखिए प्लीट्स बनाने के बाद ना मैं बैक में ले जाकर चेक कर रही हूँ, यहाँ पे हमें लूज़ रखना है, तो मैं प्लीट को ओपन कर रही हूँ। आपको जितना लूज़ रखना है उतनी आप प्लीट यहाँ से ओपन कर ले। अब इस तरह से चेक कर लेने के बाद ना देखिए इस तरह से आपको काउल लुक यहाँ पर बना के चेक करना है प्लीट को। अब ये जो हमारी प्लीट्स इतनी हो गई है ना कम्प्लीट, इसे हम अरेंज करेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले यहाँ पर एक सेफ्टी पिन लगा लेंगे इस तरह से। अब इसे देखिए अपने सामने ना रखते हुए मैं चिन से दबाकर और वन बाय वन प्लीट्स को अरेंज कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से आपको अरेंज करना है। ये कॉटन सिल्क की है तो आपको इस तरह से अरेंज करोगे तो फटाफट से अरेंज हो जाएगी। अब अरेंज कर लेने के बाद इसे हमें बैक में लेकर जाना है वापस से। देखिए इतना पार्ट हमने छोड़ रखा है, और इस वाले पार्ट को जो हमने बैक साइड में प्लेन छोड़ा था ना स्कर्ट का पार्ट, वहाँ पे हमें इसे टक करना है। अब हमारा वो जो प्लेन वाला पार्ट था वो यहाँ पर ढक जाएगा पूरा, इस साड़ी से कवर हो जाने वाला है इस वाली प्लीट से। सो इसीलिए हमने बैक साइड में प्लीट नहीं बनाई थी। अब ये जो आपको इतना हिस्सा हमने छोड़ रखा था दिख रहा है, इसके इस तरह से दोनों किनारों को पकड़ लेना है और फिर से हम प्लीट्स बनाएंगे। यहाँ पर देखिए मैं बॉर्डर को चेक करते हुए बना रही हूँ। तो आप देख ले आपकी साड़ी में कितनी चौड़ी या पतली बॉर्डर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लीट्स बना ले। तो देखिए इस तरह से प्लीट्स बना लेने के बाद ना इसे हमें अरेंज कर लेना है अच्छे से, इस तरह से चक्की झटकते हुए। यहाँ पर देखिए अच्छे से आप सेट कर लेंगे ना तो बहुत ही यहाँ पर प्यारा सा आपका लुक आएगा, बिल्कुल गाउन की तरह दिखता है। अब ये देखिए अरेंज हो जाने के बाद यहाँ पर हमें इसे टकिंग करना होता है सामने की तरफ। देखिए इस तरह से ये आपके बॉर्डर से बॉर्डर बिल्कुल मैच होनी चाहिए, एकदम ठीक बेली बटन के सामने रखते हुए टकिंग कर रही हूँ मैं। अब देखिए दोनों बॉर्डर हमारी मैच हो गई और दोनों साइड का जो गैपिंग है ना इक्वल दिखना चाहिए, तभी ये बिल्कुल बाल गाउन की तरह दिखता है। देखिए दोनों तरफ से बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है और बहुत हैवी फील भी नहीं होगा क्योंकि दोनों ही साड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड हैं। तो इसी के साथ आप हमारा फाइनल लुक देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह की और वीडियो देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप चाहें तो हम इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।